नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। नागपुर में चल रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन 310 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं। कप्तान हाशिम अमला क्रीज पर है। नागपुर की पिच बैटिंग के लिए खतरनाक साबित हुई। दो दिन में कुल 32 विकेट गिरे। पहले दिन 12, 10 भारत और 2 साउथ अफ्रीका और दूसरे दिन 20 विकेट, 8 साउथ अफ्रीका पहली इनिंग, 10 भारत दूसरी इनिंग, 2 साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग गिरे। नागपुर टेस्ट मैच में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है, लेकिन नागपुर की पिच को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर इस मुद्दे पर काफी कुछ लिखा है। वे नागपुर पिच की गुणवत्ता पर चर्चा कर रहे हैं और बीसीसीआई की मंशा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव ने भी नागपुर टेस्ट के पिच को लेकर बीसीसीआई पर कई सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि नागपुर की पिच टेस्ट क्रिकेट के साथ मजाक ही नहीं, धोखा भी है। इंडियन टीम के क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट भगवान और मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का चयन मुंबई की अंडर 16 टीम में कर लिया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित अंडर 16 पेयाडे ट्रॉफी जूनियर टूर्नामेंट में जमाया गया बेहतरीन शतक उनके चयन का आधार बना है। भारतीय टीम ने हाल ही में अपने खेल में काफी सुधार किया है, लेकिन शुक्रवार से शुरू हो रहे हॉकी विश्व फाइनल्स के पहले मैच में अर्जेंटीना को हराने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारत को बेहद कठिन ग्रुप बी मिला है, जिसमें दुनिया की 5वें नंबर की टीम अर्जेंटीना, दूसरे नंबर की नीदरलैंड और तीसरे नंबर की जर्मनी है। हाई परफॉर्मेंस निदेशक और मुख्य कोच रोलेंट ऑल्टमेयर्स के मार्गदर्शन में भारत के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है और टीम विश्व रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। सरदार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उसे आखिरी टेस्ट पेनल्टी शूटआउट पर गंवाना पड़ा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए 28 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में क्रिकेट के इतिहास में पहली बार महिला एम्पायर दिखाई देंगी। आईसीसी ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए 4 महिला एम्पायरों को नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी कैथलीन क्रॉस, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयरे पोलोसॉक, इंग्लैंड की स्यू रेडफर्न और वेस्टइंडीज की जैकलीन विलियम्स वो 4 महिला एम्पायर होंगी जो इस टूर्नामेंट में इतिहास रचेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।